बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मी ऑनलाइन यू चैनल फॉर एजुकेशन वीडियोस। आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने की कोशिश कर लेंगे, यानी फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कैसे कर लेंगे, इसको एक्टिविटी बेस्ड टीच कैसे कर लेंगे उसके बारे में। अब एक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर मैंने जो मटेरियल यूज़ किया उसमें कुछ बिस्किट और चॉकलेट के खाली डब्बे हैं, इसके साथ कुछ स्टोन्स हैं, कुछ ये पेपर्स हैं, इनको यूज़ करके, इसके साथ सीज़र को यूज़ करके हम एक्टिविटी करने की कोशिश कर लेंगे। मिसाल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1/2 8 2/3 है। अब इनको ऐड करना है, आपस में मिलाना है। अब देख लो इसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो पहले फ्रैक्शन के देख ले तो यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, इस तरीके से 2 पार्ट्स, और दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल 3 पार्ट्स हैं, इस तरीके से इसके इक्वल इस तरीके से 3 पार्ट्स हैं। अब पहले के में 1/2 है, 2 में से 1 के अंदर, 2 में से 1 के अंदर चीज़ें हैं, इस तरीके से ये 2 में से 1 के अंदर चीज़ें हैं, और दूसरा जो फ्रैक्शन है उसके 2/3 यानी 3 में से 2 के अंदर, 3 में से 2 के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, इस तरीके से 2 के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये इस तरीके से। अब इनको मिलाना है। अब देखो पार्ट्स सेम नहीं है, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था डिनोमिनेटर इनका सेम नहीं है। अगर यहाँ से मैं एक जो पार्ट है यहाँ से चीज़ें निकाल के यहाँ पे डालता हूँ तो ये पार्ट इससे बड़ा है, यहाँ से चीज़ें यहाँ पे कम होंगी। अगर यहाँ से मैं निकाल के इसका पार्ट इससे बड़ा है तो यहाँ से निकाल के यहाँ पे डालूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, LCM निकाला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों का देख ले तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा वो 6, 3 2 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया तो इनके जो पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके भी 6 होंगे, इसके भी 6 पार्ट्स बन जाएंगे। तो इसके लिए मैंने देख ले इसके भी 6, इसके भी 6, ये थोड़ा मैं बना लेता हूँ इसके भी 6 पार्ट्स, इस तरीके से 2 इक्वल 6 पार्ट्स दोनों के बन जाएंगे, 3 4 5 एंड 6। अब मैंने इसके 6 इक्वल पार्ट्स बनाया। तो देख ले तो यहाँ पर जो चीज़ें थी इस तरीके से आप डालते जाएं, देख ले इस तरीके से 3 पार्ट्स के अंदर ये चीज़ें आ गई, 3 पार्ट्स के अंदर। अब दूसरे इसके भी 6 पार्ट्स बन जाएंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। अब पहले इसके भी 6 पार्ट्स बन जाएंगे, यानी 1/2 इसके पहले 1 पार्ट में था, अब इसका एलसीएम निकाला तो इसके 3 पार्ट्स में चीज़ें हो गई, 3 पार्ट्स खाली रह गई। अब दूसरे इसका पहले से मैंने बनाया है तो इसके भी क्या हो जाएंगे, 2/3 है, आप देख लो तो इसके इस तरीके से आप डाल दीजिए।
इसके फोर पार्ट्स में इस तरीके से चीज़ें आ गई, फोर पार्ट्स में। अब हम इनको आपस में मिलाएंगे, क्योंकि अभी पार्ट्स हमने सेम बनाया हुआ है, यानी ये पार्ट्स और ये पार्ट्स आपस में सेम है। अब यहाँ से चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ से चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनको मिलाऊँगा, तो यहाँ से मैं खाली करना शुरू कर लेता हूँ। अब देख इस पार्ट्स में ये डालूँगा तो ये बिल्कुल इसी पार्ट्स के अंदर आ जाएंगे, ना ज़्यादा हो जाएंगे ना कम हो जाएंगे ये। अब दूसरा पार्ट में मैं निकालूँगा, यहाँ से इसको भी निकाला, निकाल के इधर में डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया तो अब यहाँ पे क्या हो गया, टोटल कितने पार्ट्स, सिक्स पार्ट्स थे। अब सिक्स में से यहाँ पर सिक्स पार्ट्स, अब सिक्स ये पूरा पूरा मुकम्मल हो गया। मिसाल पहले क्या हो गया था, 3, 8, 4, यानी इसके फोर पार्ट्स और इसके थ्री पार्ट्स में चीज़ें थी। अब इनको मिलाया तो 7/6, यानी 1 whole 1/6। अब देखो तो ये 1 whole बन गया, पूरा मुकम्मल हो गया। अब दूसरे उसके क्या हो गया, 6 में से 1 पार्ट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो देख ले बच्चों को हम समझाएंगे, टोटल ये 6 पार्ट्स के अंदर बिल्कुल बढ़ गया, तो ये होल की शक्ल में सामने आ जाता है, मुकम्मल की शक्ल में सामने आ जाता है। और दूसरा जो पॉकेट था इसका, 6 में से 1 पार्ट के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, तो 1 whole 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमारे नेल्सन मैथ के क्लास थर्ड के अंदर ये मौजूद है, और यहाँ पर भी एग्जांपल्स के अंदर पूरे एक्टिविटी यहाँ पर कलर करके आपको दिखाने की कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।